सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इंटरनेट तो यार हम सभी यूज करते हैं और यूज करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आज भी ऐसी कुछ जगहें हैं जहां पे हमको हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिल पाता है। तो यहां पर दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में कि आखिर क्या है इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट और यहां पे आगे चल के हम इसको कैसे काम में ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार एक टाइम था ना जब मतलब इंटरनेट इतना दोस्तों होता था लिमिटेड कि मतलब भैया आप बस एक ईमेल सा भेज लो, उसके अलावा आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन टाइम के साथ साथ दोस्तों हमने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि मतलब आज की डेट में हमको भैया जियो का रोज़ का 2 GB या फिर 1 GB या फिर 4 GB भी कम लगता है, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें काम में लेते हैं। मतलब यहाँ पर दोस्तों डेटा फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी ऐसे में दोस्तों जो मेन बैकबोन है करंटली इंटरनेट की वो तो है भैया फाइबर ऑप्टिक केबल्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दुनिया इतनी बड़ी है, ऐसे में भैया आपने वो केबल्स तो लगा दी, लेकिन दोस्तों उसके बाद में विद इन कंट्रीज विद इन कॉन्टिनेंट्स अगर आपसे बात करता हूं नेटवर्क की भैया, फॉर एग्जांपल किसी गांव में, तो शायद आपको वहां पे एक हाई स्पीड इंटरनेट ना मिल पाए, क्योंकि लिमिटेशन हमारे पास तो है ज्योग्राफी की कि भैया कैसे हम इंटरनेट पहुंचाएं सभी जगहों तक। तो यहां पे आइडिया निकल के आता है सैटेलाइट इंटरनेट का। अब यहाँ पर दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट जो है उसको हम करंटली भी काम में लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको पूरी दुनिया के लिए बनाना बहुत ही एक मुश्किल सा और बहुत ही एक क्रेजी आइडिया है। जहाँ पे यार अगर आप बात करते हो कंपनीज की जो दोस्तों खुद के यूज कर लेती हैं सैटेलाइट इंटरनेट को काम में, तो वो उनको स्पीड भी मिल जाती है ठीक ठाक सी और मतलब कवरेज जो है वो भी मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों से बात कर रहा हूँ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में, जहाँ पे ये दोस्तों जैसे हम लॉन्च करते हैं उसके बाद में अर्थ के ऊपर दोस्तों एक फिक्स स्पॉट जो है वो पकड़ लेती हैं, क्योंकि यहां पे जो इनकी होती है रोटेशन स्पीड वो दोस्तों बिल्कुल मैच करती है अर्थ की स्पीड को, जहां पे इनकी जो एक पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है। और उसके बाद में ये नीचे ब्रॉडकास्ट दोस्तों कर सकती हैं सिग्नल्स को और उसके बाद में इंटरनेट को काम में ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं फॉर एग्जांपल घर में टीवी वगैरह, तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन दिक्कत ये निकल के आती है कि भैया आपको नीचे भी दोस्तों वैसे ही स्टेशंस चाहिए, अब या तो हर एक घर पे भैया लगा दें एक छतरी और ताकि भैया बन जाए कनेक्शन। लेकिन दोस्तों फिर हमसे बात करता हूँ इंटरनेट पे अलग अलग यूजेस की कि भैया किसी को यूट्यूब देखना है, किसी को कुछ और देखना है, तो स्पीड्स का वेरिएशन होगा। और भैया ऐसे में जो हाइट दोस्तों वो होती है ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर इस सैटेलाइट की, तो जो डिलेज हैं वो भी थोड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम पूरी प्लानिंग के साथ में इस स्पेसिफिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए लॉन्च दोस्तों करें कुछ ऐसी ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स जो कि नीचे इंटरनेट भेज पाए सही स्पीड से, तो मज़ा आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक नहीं दो नहीं पूरी 4,425 सैटेलाइट्स के बारे में, जो पूरे धरती के ऊपर एक जाल दोस्तों बना लेंगी, यहाँ पे सभी एरियाज को कवर कर लेंगी और उसके बाद में वो नीचे तक भेज सकती हैं अपनी भैया फास्ट पॉसिबल इंटरनेट को। और ऐसे पूरा जाल सा बन जाएगा जहां पर दोस्तों ग्राउंड पे जो बेस स्टेशन है वो करेगा कम्युनिकेट सैटेलाइट के साथ में, और उसके बाद में जो बेस स्टेशन है वो अपने एरिया में लोगों के घरों तक पहुंचा सकता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट। दोस्तों ऐसे में आज के डेट में सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो काम लेते हैं उसके अंदर थोड़ी लिमिटेशंस हैं स्पीड वगैरह को लेके, और बाकी और ऑप्शंस जो है वो हमको इतने ज्यादा तेज स्पीड वाले नहीं मिल पाते अगर हमसे बात करता हूं फाइबर ऑप्टिक केबल्स की। लेकिन अगर ये पूरा जाल बन जाएगा तो यहां पर दोस्तों कमाल हो जाएगा। और यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स की वो दोस्तों है करीब 11 गीगाहर्ट्ज से लेके 30-40 गीगाहर्ट्ज के बीच में। प्रॉब्लम क्या आती है कि यहां पर दोस्तों क्योंकि हम अगर फ्रीक्वेंसी को ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमको ज्यादा बैंडविड्थ तो मिलती है, लेकिन ऐसे में भैया सिग्नल लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों मतलब मान लीजिए बारिश वगैरह हो रही है तो ऐसे में ये दोस्तों जो वेव्स हैं वो एटेन्यूएट कर जाती हैं, जमीन तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाएंगी, तो उसकी भी एक प्रॉब्लम है। एंटीना साइज जो है वो भी दोस्तों अपने आप में कंसर्न बन जाता है। लेकिन प्लान ये है कि आगे चल के काम भैया होना ही है, और ऐसे में 5,000-4,000 इतनी दोस्तों सारी सैटेलाइट्स और पूरे धरती को एक जाल की तरह यहाँ पे जकड़ के रखा है, उसके बाद में हम किसी रिमोट एरिया में जाके भी इंटरनेट को ठीक तरीके से यूज़ कर पाएंगे। हालांकि वायर्स रहने वाले हैं, वायर्स कहीं दोस्तों जाएंगे नहीं भैया, जो ये बैकबोन हमने बनाई है ये तो रहेगी ही। लेकिन एक और एक्स्ट्रा कदम कि हम सभी तक इंटरनेट पहुंचा पाए, उसके लिए जो सैटेलाइट इंटरनेट दोस्तों है वो आगे चल के काम में आ सकता है, जहां पे हम रिमोट एरियाज में जहां पे दूर दूर तक भैया कोई टावर नहीं है, कोई फिजिकल चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि ऊपर एक सैटेलाइट है जो नजर रख रही है उस एरिया पे, तो वो दोस्तों कर सकती है कम्युनिकेट यहां पे लाइन ऑफ साइट के जरिए डायरेक्टली
हालांकि ये भी एक लिमिटेशन है दोस्तों कि जो कम्युनिकेशन होगा, जो एंटीनाज नीचे हैं जमीन पे, वो एकदम मैच करने चाहिए। अगर बीच में कुछ भी ऑब्स्टेकल हुआ तो भैया सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये सब चीजों को दोस्तों ओवरकम करने के बाद में करीब जो इन्वेस्टमेंट है ये है $10 बिलियन का। और यहाँ पे जो प्लान है मिस्टर एलन मस्क का वो कुछ ऐसा ही है कि 4,425 सैटेलाइट्स पूरी धरती को ही ढक दो भैया सैटेलाइट से, ताकि हम इंटरनेट को सभी जगह पे पहुंचा पाएं बिल्कुल तेज स्पीड से। फिलहाल सैटेलाइट इंटरनेट बहुत ही लिमिटेड सा है, पर्सनल यूज़ तो आप भूल सा ही जाओ, बहुत ही लिमिटेड है। और ऐसे में जो कंपनीज काम में लेती हैं उनके लिए फिर कीमतें बहुत ज़्यादा है। आगे चल के देखो हमको इंटरनेट फिर फ्री में अगर मिल जाए कहीं से तो थोड़ा सा मजा आ जाए दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।